नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल धाकड़ क्रिकेट में। आईपीएल 2022 का अब सिर्फ एक मुकाबला बचा हुआ है और वो है आईपीएल 2022 का फाइनल। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप की रेस के टॉप 5 बल्लेबाज, पर्पल कैप की रेस के टॉप 5 गेंदबाज और कौन है आईपीएल 2022 का सिक्सर किंग, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों बने रहें वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। और साथ ही साथ आप भी चाहते कि आपका फेवरेट प्लेयर ऑरेंज कैप या पर्पल कैप जीते तो कर दीजिए इस वीडियो को दिल से एक लाइक। तो दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए क्वालिफाइड टू मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम को एक तरफा मुकाबले में 7 विकेट से हरा कर आईपीएल 2022 के फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है, जहां पर उनका मुकाबला होने वाला है गुजरात टाइटंस से। लेकिन दोस्तों, फाइनल मुकाबले से पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार आईपीएल 2022 में ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की रेस में कौन कौन से खिलाड़ी अभी भी आगे चल रहे हैं। तो चले दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं टॉप 5 गेंदबाजों के बारे में जिन्होंने अब तक सबसे ज़्यादा विकेट लिए हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में हम बात करें गेंदबाजों की तो नंबर 5 पर दिल्ली कैपिटल के कुलदीप यादव है, जिनके 14 मुकाबलों में 21 विकेट हैं। लेकिन ये इस रेस से बाहर हो चुके हैं क्योंकि इनकी टीम आईपीएल 2022 से बाहर हो चुकी है। तो वहीं पर दोस्तों नंबर 4 पर उमरान मलिक है, जिनके 14 मुकाबलों में 22 विकेट हैं, लेकिन इनकी भी टीम आईपीएल 2022 से बाहर हो चुकी है। तो वहीं पर नंबर 3 पर कंगिसो रबाडा है, जिनके 13 मुकाबलों में 23 विकेट हैं, लेकिन इनकी टीम भी आईपीएल 2022 से बाहर हो चुकी है। तो वहीं पर नंबर 2 पर अब यजवेंद्र चहल है, जिनके 16 मुकाबलों में 26 विकेट हैं और इनके पास अभी भी आखिरी मुकाबला बचा हुआ है, यानी कि फाइनल मुकाबला। जबकि दोस्तों फिलहाल नंबर 1 की हम बात करें तो यहाँ पर वनिंदु हसरंगा है, जिनके 16 मुकाबलों में 26 विकेट हैं। यानी कि देखा जाए तो फिलहाल यजवेंद्र चहल और वनिंदु हसरंगा बराबरी पर खड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पर यजवेंद्र चहल से वनिंदु हसरंगा की इकोनॉमी थोड़ी बेहतर है, जिसके चलते वो फिलहाल नंबर 1 पर है। लेकिन आखिरी मुकाबले में अगर यजवेंद्र चहल एक विकेट चटकाते हैं तो वो बन जाएंगे पर्पल कैप के विजेता आईपीएल 2022 के, सिर्फ एक विकेट की उन्हें ज़रूरत है। वहीं पर दोस्तों ऑरेंज कैप की रेस के टॉप 5 बल्लेबाजों की हम बात करें तो नंबर 5 पर फिलहाल शिखर धवन है, जिन्होंने 14 मुकाबलों में 460 रन बनाए थे, 38.33 की औसत थे, लेकिन इनकी टीम बाहर हो चुकी है। तो वहीं पर नंबर 4 पर फेफ डू प्लेसिस हैं, जिन्होंने 16 मुकाबलों में 468 रन बनाए थे 31.20 की औसत से, लेकिन इनकी भी टीम अब बाहर हो चुकी है। वहीं पर नंबर 3 पर क्यूटन डिकॉक हैं, जिनके 15 मुकाबलों में 508 रन हैं, लेकिन इनकी टीम भी आईपीएल 2022 से बाहर हो चुकी है। तो दोस्तों वहीं पर हम बात करते हैं अब नंबर 2 की, तो यहां पर केएल राहुल मौजूद हैं, लेकिन 15 मुकाबलों में इन्होंने 616 रन जरूर बनाए थे 51.33 की औसत से, लेकिन अब इनकी भी टीम आईपीएल 2022 से बाहर हो चुकी है। वहीं पर दोस्तों नंबर 1 बल्लेबाज की हम बात करें तो यहाँ पर फिलहाल जोस बटलर मौजूद हैं। जोस बटलर इस साल 4 शतक जमा चुके हैं और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे हैं। उनके 16 मुकाबलों में अब 824 रन हो चुके हैं, जबकि दोस्तों इन्होंने 4 शतक लगाए तो साथ ही 4 अर्धशतक लगाए और इनका एवरेज 58.86 का रहा है। यानी कि अब ये तय हो चुका है कि जोस बटलर के सर पर ही रहेगी आईपीएल 2022 की ऑरेंज कैप, यानी कि ऑरेंज कैप के विजेता जोस बटलर बन चुके हैं। फिलहाल इनके 824 रन है और आखिरी मुकाबला अभी भी इनके पास बचा हुआ है। वहीं पर दोस्तों आईपीएल 2022 के सिक्सर किंग की हम बात करें तो इस लिस्ट में भी फिलहाल यहाँ पर नंबर 5 पर मौजूद हैं शानदार बल्लेबाजी करने वाले संजू सैमसन, जिनके 26 छक्के हैं। तो नंबर 4 पर केएल राहुल है, जिनके 30 छक्के थे। तो नंबर 3 पर आंद्रे रसल है, जिनके 32 छक्के हैं। तो वहीं पर नंबर 2 पर लियाम लिविंगस्टोन है, जिनके 34 छक्के हैं। लेकिन यहाँ पर भी नंबर 1 पर जोस बटलर ही हैं, जिन्होंने अब तक शानदार बल्लेबाजी करते हुए 45 छक्के लगाए हैं। और इस साल के सिक्सर किंग भी अब जोस बटलर ही रहने वाले हैं, क्योंकि इनके 45 छक्के हो चुके हैं। यानी कि दोस्तों अब आखिरी दो टीमें बची है, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स। तो आपके हिसाब से कौन सी टीम बनेगी चैंपियन? लेकिन दोस्तों फिलहाल पर्पल कैप की रेस में अगर एक विकेट चटका लेते हैं यजवेंद्र चहल फाइनल मुकाबले में तो वह पर्पल कैप के विजेता बन जाएंगे, जबकि सिक्सर किंग और ऑरेंज कैप के विजेता तय हो चुके हैं और वो हैं जोस बटलर। तो दोस्तों आपके हिसाब से आपका फेवरेट प्लेयर और आपकी फेवरेट टीम कौन सी रही है आईपीएल 2022 की, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।